हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं जट साहिब की मीम्स चैनल से बरकत उज़्मी ऑल वायरल मीम्स कंपाइलेशन, फनी पाकिस्तानी मीम्स, टॉप पाकिस्तानी मीम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बरकत उज़्मी की यार ऑफ कोर्स उनके सारे जोक्स ऐसे ऐसे रहते हैं, बहुत ही सही वाले मजे के एकदम रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मस्त चेकआउट द चैनल। अच्छा सर, एक बात बता, एक्सक्यूज सकते हैं एक, 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 एक सवाल, विद ड्यू रिस्पेक्ट रमीज भाई, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा यार तुम्हारा दिल कितना नरम है, और उसने कहा हाथ हटाओ ये दिल नहीं है? सर लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सर आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, कहते हैं कि अंदर जाकर दर्द का एहसास दिलाने वाली चीजों में इंजेक्शन आज भी दूसरे नंबर पर है। बच्चे सही ना, आप देखें मैडम बेचारी अच्छा सवाल पूछ रही है, मैडम बच्चों से ही पूछ रही है, बताइए बिल्ली कितने बच्चे कैसे होते हैं? बच्चा कह रहा है अगर आप भी रातों को गलियों में घूमेंगे आपका भी यही असर होगा। सर आप इस बात को मानते हैं कि हर लफ्ज के दो मायने, एक हकीकी मायना और एक बेहकीकी मायना, मतलब एक अच्छी बात और एक जू मायने बात, तो लोग उसको जिस तरह उसको ले लें, उसको कंसीडर करें। इसी बात पे एक नमूना छोटा सा पेश कर रहा हूं, अगर आप इजाजत दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जान ले लो मेरी, जान ले लो मेरी। अच्छा मेरे एक सवाल है, काफी अरसे से मेरे दिमाग में घूम रहा है, आप दोनों शादीशुदा इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मियां बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। डायरेक्ट बोल दिया। मेरे दिल में रीमा का अक्स है। हाँ, मेरे दिल में रीमा का अक्स है और हाथ में नया लक्स, मेरा दिल सबने सजा रहा है और साबुन जाग पे जाग रहा है। डूड भाई, आप इस बात को मानते हैं कि औरत का झुक जाना रिश्ते को मजबूत और मर्द को कमजोर बना देता है? मैंने एक बार टी शर्ट पहनी हुई थी, इनकी टी शर्ट इनकी वाक्य है, इनकी टी शर्ट पर एरोप्लेन बना हुआ था ना, तो मैं एरोप्लेन को देखे जा रहा हूँ, मुझे मतलब करी बरकत तुमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा? मैंने कहा एरोप्लेन तो देखा लेकिन ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा। धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समझ हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते, दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। अच्छा ये क्या बात है, लड़के को उल्टी है घर वाले कहते हैं पी क्या है कमीना, और अगर लड़की को उल्टी है घर वाले कहते हैं कौन है वो कमीना, उल्टी चाहे कोई भी करे कमीना लड़का ही। तू सवाल नहीं एक पहेली है, तू वो सवाल नहीं एक पहेली है, तू सवाल नहीं एक पहेली है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली है। मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, आप इस बात को मानते हैं कि थूक लगाकर डाली जाने वाली चीजों में सुई धागा आज भी दूसरे नंबर पर है? बरकत भाई एक बात बताएं, जो लोग औरतों पर हाथ उठाते हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? यार ये औरत पर हाथ वही उठाता है जिसका हाथ के अलावा कुछ नहीं उठता। मेरा प्रॉब्लम पता है कि मुझे अक्सर लोग ये दुआएं देते ना, जा बेटा हमेशा खुश रहे, शायद इसी वजह से मेरी शादी में बरकत नहीं। अरे सर एक बार यार, हम जब जॉब करते थे 94 में सर, 3,000 रुपए में तनख्वाह, 95 3,000 रुपए तनख्वाह थी मेरी, उसमें मेरा खर्चा निकलता था सर। एक बार तो मुझे सैलरी मिली महीने के एंड में, मैंने सैलरी आगे वाली जेब में रखी, मैं बस में चढ़ गया, जो खातू भुट्टा चोरी की क्या, मैंने कहा सैलरी के लिए कौन सी सैलरी है जो हर 2 सेकंड में बढ़ रही है? देखो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ मोहब्बत के, बरकत है मेरी वाली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों? कह रहे वो यूट्यूब चैनल जैसी थी, उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा थे। ये मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस कॉमेडियन वाली लाइन में नहीं होते तो कहाँ होते? तो फिर मैं आप वाली लाइन में होता। और कहते हैं महबूब और अमरूद से परहेज करना चाहिए, अमरूद और महबूब से परहेज करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में कीड़ा होता है। और मेरी तो ये तो सच बात है। देखिए बात ये कहते हैं लव अरेंज मैरिज जो है ना, अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं, लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। ये क्या बात हुई, ये तो ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। मैंने उससे उनसे ऐसी फ्लैट के अंदाज में मैंने कहा आप बॉम्बे में रहती हो कि नहीं? तो मैंने कहा बॉम्ब लग रही हो। मुझे कह आप लंदन में रहते हो? मैंने कहा नहीं तो भाई लग रहे हो। अच्छा एक बात, साबुन चाहे जिस रंग का भी उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है?
यहाँ वो नहीं है, मेरे सवाल जो है ना ये कौमी असेंबली में पेश किए जा रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि मोहब्बत मिस करने से नहीं किस करने से बढ़ती है? वो लड़का जिससे पूछा ना वो कंफ्यूज हो गया एक मिनट को कि यार बोल तो वैसे सही रहे हैं, मोहब्बत मिस करने से नहीं किस करने से बढ़ती है। गलत है ये, है ठीक है। असली सच्ची मोहब्बत जो है, प्यार जो होता है, प्रेम भाव जो है, वो उसे किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं होती, किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, कि हाँ ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस मेरे प्यार की हैं। प्यार की कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, ठीक है। अगर जिस भी चीज में कोई कंडीशन है, सामने वाला अगर आपसे कह रहा है कि हाँ मुझे, मैं तुमसे प्यार तभी करूंगा या करूंगी जब तुम मेरे लिए ये कर दोगे, ठीक है, जहां ये चीज हुआ वहां प्यार नहीं है, वहां प्यार नहीं है। ओके, सो ये बात हमेशा याद रखना। और बरकत उसमें, यार क्या बात है, मतलब इनके जोक्स एकदम लाइट अप जोक्स होते हैं, और कभी कभी होते हैं डबल मीनिंग्स भी होती हैं, लेकिन समझ में जब तक आए ना तब तक आप हंस के निकल चुके हैं। मतलब लाइट अप जोक्स हैं, ठीक है, आपको चीयरफुल कर देते हैं, कोई इतना वो नहीं लगेगा। लाइक टोन होती है एक किसी किसी की, जैसे आप भुवन बाम की अगर वीडियोस देखेंगे, ठीक है, उनके जोक्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो आप सबके सामने वैसे भी नहीं सुन सकते, लेकिन उसमें कोई आपको वल्गैरिटी नहीं नज़र आती, ठीक है। वहीं आप, मैं एक दो अगर क्रिएटर्स के नाम लूँ तो हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है, मैं नाम लेकर अपनी जबान गंदी नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो रोस्ट ऐसे इस टाइप से करते हैं कि वो लोगों को गालियाँ देना, लोगों को मतलब अपनी वीडियोस में नंगा करना, वही चीज़ उनको रोस्ट लगती है, ठीक है। तो समझ जाओ बात क्या है। सो वही इंटेंशन होनी चाहिए, जो सोच है ना जो वो सही होनी चाहिए। खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।